विच दस दिए कि ट्रक ड्राइवर इकट्ठे हो रहे ने, भारी पुलिस बल नूं तैनात कर दिता गया। बठिंडा चंडीगढ़ नैशनल हाईवे ते दस दिए जाम लगाया गया है और एनएच ते काला झाड़ टोल प्लाजा नूं बंद कर दिता गया है। हिट एंड रन के नवे कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दस दई है कि ये शुरुआत जी अं कह सकते हाँ कि पिछले दिनों के जिस तरीके ट्रक ट्रांसपोर्टर जोड़े ने ड्राइवर जोड़े ने उन्होंने वालों व्डे पद्धर से जो पूरे देश के दे हड़ताल की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है और काम कार ठप कर दिता जाता, तो उस तो बाद जिस तरीके की मंदी पई, जिस तरीके पूरा एक दिन असं कह सकते हाँ पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म सी, वड्डी लोगों मुसीबतों का सामना करना पिया, तो उस तो बाद बेशक वो हड़ताल जी खत्म हुई है एक वड्डी मीटिंग तो बाद केंद्र की, पर उस तो बाद असं वेख रहे हैं कि वक्ो वक् होर थावां ते आ कह लिए कि पंजाब दे विच ही रोज़ाना कभी किसी जिले दे विच कभी किसी जिले दे विच इस तरीके दे नाल प्रदर्शन हुंदा है। पिछले दिनों दे विच देखिया कि कल मोहाली दे विच जिहड़ा है वह कैब ड्राइवर ने उत्थे कैब खड़ी करके प्रदर्शन किया और वह भी इसे ही कानून के खिलाफ सी, और अज ये तस्वीर संगरूर तो भवानीगढ़ तो सामने आ रही ने जिथे ट्रक ड्राइवर जिहड़े ने हिट एंड रन के नवे कानून का ही विरोध कर रहे हैं और इत्थे इन्हां दे वल्लों काला झाड़ जरा टोल प्लाजा है इसको बंद कर दिता गया है और इतने प्रदर्शन किया जा रहा है। तो असं कह लीए तो नवे कानून लैके ये अजे प्रदर्शन अजे खिलाफत अजे विरोध रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये सिर्फ पंजाब का ही असं जिक्र कर रहे हैं, तो बाकी थावां की गल की जाए तो उत्थे ही इस तरीके दे नाल प्रदर्शनों दी खबरां ने कि विरोध किया जा रहा है ड्राइवरों के वालों। तो सीधे तौर पर ये नवे कानून के मुताबिक जेकर हिट एंड रन का केस हुंदा है तो फिर 10 साल की सज़ा होएगी ड्राइवर नूं और नाल ही 7 लाख रुपए जुर्माना देना होएगा, तो जिसको लेके ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उधर लुधियाना नगर निगम दे विच वड्डा फर्जीवाड़ा सामने आया है, 44 जाली खातियां दे विच 1.75 लाख यानी कि करीब 2.25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए ने। सैनेटरी इंस्पैक्टर समेत 7 मुलाजम सस्पेंड कर दिए गए ने, मुलजमान के बाकी 12 साथियों नोटिस जारी किया गया। थाना डिवीजन नंबर 7 के दर्ज की केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की चेतावनी सामने आई है, उन्होंने कहा कि नहीं बख्शे जाएंगे मगरमच्छ और घड़ियाल, इस तरीके दे नाल स्टेटमेंट दी है विधायक गुरप्रीत गोगी ने। मसला है लुधियाना दे नाल जुड़िया हुआ है, लुधियाना नगर निगम दे नाल जुड़िया हुआ एक वड्डा फर्जीवाड़ा सामने आया है, 44 जाली खातियां दे विचों करीब 2.25 लाख रुपए जिहड़े ने उत्थे ट्रांसफर किए गए ने। सैनेटरी इंस्पैक्टर के समेत 7 मुलाजम अजिहे ने जिन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया है और 12 होर साथियों नोटिस जारी किया गया। परचा दर्ज हो चुका जाके सराबर थाने पता कर अरेस्ट हो गए बंदे अंदर बैठे। विधायक ने गुरप्रीत गोगी जिन्हों का कहना है कि परचा भी दर्ज होया है और जेल दे विच भी बंद ने और नाल ही उन्हों का कहना है कि सीपी साहब दे नाल गलबात होएगी, उन्होंने नाल गलबात करके रबता करके जिहड़ा है वो जिन्हें भी ये वड्डे दोषी ने उन्होंने सज़ा मिलेगी सुभाविक तौर पर। तो दस दिए कि फर्जीवाड़ा किया गया है, 2.25 लाख रुपए की रकम है जिहड़ी कि 44 अजिहे खाते ने जाली खाते दसे जा रहे हैं जिन्हों के ट्रांसफर की गई है और इस मामले के जिहड़ा सैनेटरी इंस्पैक्टर है उसके समेत 7 होर जने ने जिन्हें असं कह सकते हैं कि ये गाजदगी है। रोहित गौर ने मेरे सहयोगी फोन लाइन से, रोहित की कुछ होने सारे मामले दे विच कार्रवाई हुई है और जो कदों ये खुलासा होंदा है? जी बिल्कुल, मैं गुरजोत तुहानू दस देना चाहना कि नगर निगम के घपला होया वा और यह जो घपला वै ये कोई मतलब हजार दो हजार का नहीं है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो नगर निगम का नाम आता वै तो उदो लखा की गल आती है कि लखा का घोटाला होया, पर इतने हुण करोड़ों की गल हो रही है, तो इस करके जो मामला वड्डा होता जा रहा है। इस चीज के जोड़े है लगभग जोड़े है 12 जोड़े है लोग जिन्हों नोटिस भेजा गया वै और उस तो अलावा जोड़े
सत मुलाजम जिहड़े हैगे ने उन्हां सस्पेंड भी कर दिता गया वा। तां उही चीज उसी चीज नूं लै के हुण कितना कितना जिहड़े विधायक गुरप्रीत गोगी हैगे ने उन्हां पक्षों साफ तौर पर कहा गया वा कि जिहड़े भी इहो जिहे मगरमच्छ होणगे जिहड़े भ्रष्टाचार दे नूं फैलांदे ने उन्हां नूं बख्शिया नहीं जाऊगा। और उसके नाल नाल उन्हां ने एक होर संकेत दिंदे हुए गल की है कि इस चीज की इनकुआरी जिहड़ी आ पूरे तौर पर की जाऊगी और जे अगर इस दे विच पिछली सरकार के नुमाइंदे या कोई लीडर शामिल होया तो उसको भी बख्शिया नहीं जाऊगा। तो इतों एक चीज निकल के सामने आ रही है कि नगर निगम के जी घपला है इस कई वे जे ने लोगों के नाम निकल के सामने आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो यह मेरे सहयोगी जानकारी दे रही थी कि लखां नहीं बल्कि करोड़ों का यह अमाउंट दसया जा रहा है जिसन लैके घपले का इतने शक जाहिर किया जा रहा है। अगे वधांगे चंडीगढ़ दे वल रुख करदे आं जिथों दे सैक्टर 26 दे क्लब दे विच जबरदस्त हंगामा होया। दस दईए कि काला घोड़ा क्लब नूं सील करन दे लई जो टीम पहुंची सी उसका विरोध किया गया है। क्लब मालक ने प्रशासन ते धक्केशाही दे इल्जाम लगाए ने। प्रशासन ने दस दईए कि 11 उलंघणावां दी सूचना दित्ती, यानी कि बेनीमियां कीतियां गईआं 11, असीं 8 वायलेशन दूर कीतियां ने। क्लब मालक दा इह कहना है उसदे विचों 8 जिहड़ियां ने उह दूर कर लईआं गईआं। राजनीतिक पार्टियां के दखल तो बाद टीम जी वापस परती है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्लब मालक का पूरा जरा पक्ष पूरिया है कहा गया। तो टीम ने क्लब मालक नू दो दिन का समा दिता है, दो दिन का समा दिता गया है और यह तस्वीर उस समय दियां तुहानू दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 काला घोड़ा की तस्वीरें हैं अंदर से। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि कुछ वायलेशन थी जिसको लेकर इस पर कोर्ट में भी केस चल रहा था और उसी के चलते यहां पर नोटिस इनको दिया गया था। नोटिस देने के बाद यहां पर जो है पुलिस पहुंची है, स्टेट ऑफिस पहुंचा है और स्टेट ऑफिस पहुंचने के बाद इसको पूरे को खरीदा जाता है। जो मालिक है, ऑनर है, वो हमारे साथ हैं। सर, आप ऑनर हैं? हाँ जी। किस तरह की वायलेशन थी आज ये पूरा प्रशासन और पुलिस फोर्स पहुंची है यहाँ पर ये उसको पूरा सील करने के लिए? सर, मेरा ना एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है और ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। जो लैंडलॉर्ड ने मेरे को नहीं बताया था जब मैंने लिया था और जो उन्होंने मेरे को वायलेशंस बताई, 11 वायलेशंस बताई थी टोटल और उसके बीच में मैंने 8 रिमूव कर दी है और 3 रह गई हैं। जो 3 भी जो हैं उसको हर चीज़ को टाइम लगता है क्योंकि मेरे को अभी 3 महीने पहले नोटिस मिला था कि ये चीज़ें हैं सारी। तो 3 महीने के अंदर मैंने चलता रेस्टोरेंट के अंदर जो 8 वायलेशंस थी वो ख़त्म कर दी। ठीक है, लेकिन मैं और बाकी जो 3 हैं वो अभी एक जो मेन है छत का, बाकी छतें सब जितने भी एरिया है सबकी फिक्स हैं। मेरी डिटेक्टेबल है जो छत खुल जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें अभी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और ककुना के केस में और मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट मेरे को टारगेट किया गया, बस दैट्स ऑल। प्रेसिडेंट हैं आप? मैं चंडीगढ़ रेस्टोरेंट एंड क्लब्स का प्रेसिडेंट हूँ, बस मेरे को टारगेट किया गया है बस इस। लकी जी, आप भी पहुंचे यहाँ पर। सर, जैसे कह रहे हैं कि वायलेशन थी उसको पूरा भी किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद मेरे को ये समझ नहीं आती, प्रशासन को पहले वायलेशन नजर नहीं आती? जब वायलेशन अगर कोई करता है सपोजिटली सालों साल चलते रहते हैं और जब अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको तंग करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पे टीम भेज दी, इस बात को इनको समझना चाहिए। ठंड का मौसम है, एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दे रखी है कितने लोगों को, 250-250 शोरूम है और अकेले इनके वायलेशन नहीं है। आज इनको टारगेट करेंगे, कल इनको करेंगे, तो गलत हो रहा है मैं तो समझता हूँ। ठीक है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या ऑर्डर्स हैं अभी? सर वेट करो, सर सस्ते करो। नहीं नहीं, अभी ड्यू साहब आ रहे हैं, फिर आपकी ऑर्डर्स क्या है सर? ऑर्डर्स तो यही है कि अगर जहाँ पे भी वायलेशंस हैं, अगर वायलेशन मिलती है तो उसको सील करके आने का ऑर्डर्स है। ओके, तो बाकी की जो बात है वो सारे ड्यू साहब अभी आ रहे हैं वो बताएंगे। ऊपर गए, ऊपर चेक कर रहे हैं जैसा भी होगा आपको, पहले ऊपर वाले फ्लोर चेक कर रहे हैं, वो आ रहे हैं चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ऊपर का पूरा यहाँ पर जो चेक किया जा रहा है, जो जो वायलेशंस हैं उसको लेकर भी पूरा चेक किया जा रहा है और आज सील करने की बात की जा रही है। हालांकि काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है, अधिकारी यहाँ पर बुलाए गए हैं और जिस तरह से वायलेशंस की बात की गई थी, नॉर्म्स की जो बात की गई थी उसको लेकर भी आज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सील करने के ऑर्डर हैं। अब किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करती है, सो कॉम्प्रोमाइज होता है, आगे का टाइम मिलता है, वो देखने वाली बात। अगे वधांगे तां एसजीपीसी चोणां दा जिक्र करांगे जिसके लिए वोटरां दी उम्र 18 साल करन दी मांग की जा रही है। तो हाई कोर्ट दे विच पटीशन जिहड़ी है वो दाखल हुई थी जिसते सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने पटीशनकर्ता नूं यह पुछया है कि की किसी धार्मिक संस्था दीआं चोणां च 18 साल की उम्र तय है, यह सवाल किया गया। तो अगली सुनवाई के दर्जी पटीशनकर्ता जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल एसजीपीसी चोणों के लिए वोटरों की उम्र 21 साल तय की गई है।